हज का चांद सऊदी अरब में दिखाई दे चुका है और 9 जुलाई को सऊदी अरब में ईद उल अजहा मनाई जाएगी। इसका मतलब कल पाकिस्तान में भी चांद नजर आ जाएगा। मतलब अर्शद करवाने के लिए सिर्फ आज का दिन नहीं है। अभी कॉल करता हूँ। चांद नजर आया नहीं तेनू? याद मेरी पहले ही आ गई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की काम है सोनू भाई? वेले ही हो? ओ तेनू असि वेले लगने, हर बंदे नु अपने हाथ समझाई गल कर, जेडी करनी काम बड़ा पिया, टाइम नहीं है मेरे को। ओ खर्चत करवाना था। चल चल फोन बंद कर, मेरे को टाइम नहीं है। फोन बंद कर। बड़ा तपे है, इनू छड्डो, हाजी ना इनू पुछने। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, की हाल है? अल्लाह दा शुक्र है, तुसी काम दसो काम। तो भाई साहब खर्चत करवाना सी। हाँ यार, 300-400 बंदा बैठा है, घंटे तक आई, मैं वेला ही आऊंगा। 300-400 बंदा? ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਸਿਆਮੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁੱਤਰ? ਯਾਰ ਮੈਂ 2-3 ਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੇ, ਮੈਂ ਖਤ ਕਰਾਣਾ ਯਾਰ। ਓਏ ਨਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਈ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕੰਮ ਦੱਸ ਕੀ ਆ ਯਾਰ? ਉਹ ਖਤ ਕਰਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਵੇ। ਯਾਰ ਹਾਲੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਰਾਤ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 10,000 ਕਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। 10,000 ਰੁਪਈਆ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਕਾ ਫਤਿਹ ਅਮਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਆਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਵੜੋ ਭਾਂਡੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਈਦ ਆ ਗਈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਜੇ ਨਾ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੋਡ ਪਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਂਕ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹ ਹਮਜ਼ਾ। ਓਏ ਓਏ, 1,80,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅੱਗ। मवेशी मंडी से ढूंढ के लाया हूँ प्यारा जानवर। उए यार, ते ओही बंदा है जिद को 15,000 लिया सी अम्मी दे ऑपरेशन दा। की करा आइडिया। मेहरबानी उस्ताद जी, मारी दा ऑपरेशन बड़ा वधिया हो गया, कोई अल्लाह दा प्यारा दे दे। अब जो भी हमारे पास कुर्बानी के लिए आएगा ना, सबसे पहली शर्त ये होगी कि पेट्रोल उनकी तरफ से होगा। हाँ उस्ताद, साथ ही साथ पान भी उनकी तरफ से होंगे। मुन्ना के पास मंगवाएंगे पूरे 5-5। और सबसे जरूरी बात, हम कुर्बानी उस जगह पे करेंगे जहाँ पे एसी लगा होगा। अबे उस्ताद, ये तो पहली शर्त है, अगर यही कंप्लीट ना हुई तो कुर्बानी से साफ इनकार करेंगे हम लोग। उस्ताद कल्लू के सहारे रह के कल्लू भी काटा मास्टर हो गया, और अब मुझे ये बता के इस दफा रेट क्या रखने हैं। अबे उस्ताद, ये भी कोई परेशानी की बात है? आपको तो पता है महंगाई कितनी तेज चल रही है। 1,000 रुपए का सूट सिलवाने जाओ तो दर्जी 2,000 रुपया तो सिलाई मांग लेता है, और लोग देते भी हैं। ऐसे ही जितने का जानवर होगा उससे डबल तो लोगों को देना पड़ेगा ना। वाह कल्लू वाह, तूने तो दिल खुश कर दिया। आज से उस्ताद कल्लू की फेवरेट छुड़ी तेरी, मेरे उस्ताद ने मुझे दी थी और मैं तुझे देता हूँ। अबे उस्ताद, मारेगा क्या, मुंह में थोड़ी देने हैं, हाथ में पकड़ाओ। और मैं तो कहता हूँ इन बातों को छोड़ते हैं, ईमेलें बहुत ज्यादा आई हुई थी, ऑफिस में चल के बैठते हैं, कस्टमर वेट कर रहे होंगे। अगर ज्यादा वेट कराया तो जुनेजो के पास चले जाएंगे। चलो उठो, चलो 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 चलो। है कोई असर तुहानू? बेगम की हो गया? वड्डी सिर ते मैं ते कुर्बानी दा जानवर घर आया नहीं है। मेरी ते छोटी ईद भी टेंशन च लंघ गई ते वड्डी ईद भी। छोटी ईद ते कपड़े दी टेंशन ते वड्डी ईद ते कुर्बानी दी टेंशन।
जो तक थोड़े तरले ना ना पाओ तुसी कुर्बानी का जानवर नहीं लेके आंदे। ओ बेगम जी अजे 5 दिन पए ने सुकून ने लीला गए है लेकिन ये सामने ले आ गए। ते की है नाल दे दी ईद नहीं है महीना पहले बकरा लेके आए सन ते ए जेड़े सामने वाले ने 15 दिन पहला कट्टा लेके आ गए सन ते असी ईद दी नमाज पढ़ के फिर तुसी पिछले साल वाली गल करनी है जेड़े पैसे जमा कीते सनों ले आके दे मैं कुछ है लेके आवां कुर्बानी वास्ते। ओ बेगम जी पिछली जी तुसी थोड़े जे पैसे मेनू दे के दिते ने तुसी ते मेरे सिर ते चढ़ गए हो लैन ना मैं जाके। इधर आयो जरा मेरी गल ते सुन जाओ। ओ हुण की रह गया मेरी मां ए वेखो ओदी जेड़ी पुट है ना ओ 3 किलो तो वध होनी चाहिदी है ओदा एक एक पावा जेड़ा ना 28 इंच तो वड्डा होना चाहिदा है ते ओदा जेड़ा वेट है ना ओ चेक कर लिया जे 250 किलोग्राम तो वड्डा ही होना चाहिदा है ते मेरी गल याद रखिया जी कि 10,000 तो 1 रुपया भी ज्यादा व्यापारी नु तुसी नहीं दे के आ। होर कुछ रह गया ते ओ भी दस दियो। जदों बकरा लेके आओगे ना नाल ढोरा दा भी लेके आए जे जरा पूरी गली नु पता लगे कि असि किस तरह दा बकरा लेके आए हां। ओ बेगम जी जिन्ना साडा बजट है ना ढोले दे नाल मसा एक चूचा ही आना है ओनु ही नलकी पा के बन लेना। हाय हाय किडिया तरक्कीया बोटियां ने उन जी चर्बी लगी जरा गोश्त नहीं साफ करके गया मारे जाना। ना मेरा प्यारा बबलू था इन्होंने मेरे बबलू को काट दिया कहाँ से आएगा मेरा प्यारा बबलू। मामा मुझे मेरा बबलू ला के दो। ऐस कुड़ी ने की नेर पाया है इतनी प्यारी मेरी बबलू की फोटोज है। मामा अब सुन क्यों नहीं रही। हाँ ये पागल हो गई मामा मामा ने इन्हों तुम्हें पूछा ना जरा। मामा केरी आखर आ गई तेनू मामा मामा लाई आ। मुझे नहीं पता मुझे मेरा बबलू ला के दो इतना प्यारा था ऐसे ही कटवा दिए। नहीं तेरा दिमाग ठीक है खोते जीटी तू हो गई है तेने सीधा ला दिए मेरा बकला क्यों कटवा दिया कुर्बानियां से लेके आए हूं सिबा ही कराना सी होर की मैं तेना ब्याह देंदी ओनू। हां तो करा देती बड़ा तेनू प्यार आंदे ने बबलू ते चल उठ ते ओदा गोश्त तो ते मेरे शब्द पैक करा वंडन भी जाने नहीं मेरे नाल। मैं गोश्त के पास भी ना जाको पता कितनी गंदी बू आती है। किड्डी हड हराम है तू पहले तेनू प्यार आंदे ही ते हुन तेनू बोवा आंदी ने क्योंकि तेनू काम का कह दिता सही अपने प्यो ते गई डिप्लो मैटिक सारे काम तो घर च मैं ही करने ला नौकरा नहीं लैंदा है मैनू। मामा दरवाजा तो बंद कर जाओ मेरा प्यारा बबलू। बुझो तो जाने इतनी खौफनाक आवाज मेरी बेगम की हो सकती है। इजाज साहब आप भी ना बहुत नॉटी हैं कैसी लग रही हो। माशाल्लाह आज तो बेगम लचकारे मार रही हैं जरा सामने तो आए। मेरी गल सुन कट नंगरेज दी जान छड्ड ते मेरे से सज्जी लैके जल्दी कर। बाजी ठीक है मैं लिया देना तुसी बवो ते खैर ना लायो ना इत्ते आना ही तुसी जल्दी नहीं आगे थोड़ा फुसी ते फुल्लुसी ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸੱਜੀ ਲਿਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਸ਼ਾਪਰ ਚ ਕੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਐਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ਾਪਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਪਾ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਹਾਂ ਮਸਾਲੇ ਲੈਣ ਤੇਰੇ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰਨਾ ਈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਫੜੋ ਉਹਨੂੰ 2-4 ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਾਲੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ। ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਸਾੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਖਰੀਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਲੰਡੇ ਦੀ ਕਾਟਨ ਕੈਂਡੀ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਔਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਈ ਤੇ ਕਿੰਜ ਖਾਂਦੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਖਾਂਦੇ ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂ ਐਵੇਂ ਬਰੇ ਦੇ ਬਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਉ ਜੇ ਨਾਲੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੱਟੇ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਚ ਮਾੜੋ ਨਾ ਛਿੱਟਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਚਾੜ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੀਵਾਂ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਈਦ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਥੁੱਕੋ ਨਾ ਤੇ ਥੁੱਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ 4 ਦੀਆਂ 4 ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕੀ ਬੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੱਬ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਓ ਵੀ ਗੋਲ ਬੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਗੋਲ ਬੋਟੀ ਦਾ ਛਾਪਰ ਭੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਗੋਲ ਬੋਟੀਆਂ ਦਾ ਛਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕਰੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ।
चलो मैं आनी हूं, मेरा थोड़ी हवा ले ला।